गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। दिस टॉपिक यू माइट हैव स्टडीड इन योर फिजिक्स। इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी क्वांटिटीज which require only magnitude to specify it, जैसे length। तो यहाँ पर हमें केवल magnitude बताना है कि ये scale या ये table या ये कपड़ा कितना लंबा है, कितनी इसकी length है, वहाँ कोई direction की आवश्यकता नहीं होती। time, distance, speed, area, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, ये सब क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वहाँ कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सो सच क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली वन वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड विच इज़ अ रियल नंबर आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। एंड इन सम केसेस वी रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। जैसे आपने अपने किसी दोस्त को बॉल पास करी, आपको उसे कैच कराना है, तो आप किस फोर्स से उस बॉल को फेंकेंगे और किस डायरेक्शन में फेंकेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि उसका दोस्त बॉल कैच आपका दोस्त बॉल कैच कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर हमें फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और क्वांटिटीज़ भी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, मोमेंटम वगैरह, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अ क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स मस्कुलर स्ट्रेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके पहले स्टडी करेंगे। इफ वी हैव एनी लाइन इन अ प्लेन और इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, देन दिस लाइन कैन बी गिवन टू डायरेक्शंस। क्योंकि लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच हैव एरोज़ ऑन बोथ साइड एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। सो दिस लाइन कैन बी गिवन टू डायरेक्शंस बाय मीन्स ऑफ एरो हेड्स। लेकिन अ लाइन विद वन ऑफ दीज डायरेक्शंस प्रेस्क्राइब्ड इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन। अगर लाइन पर एक डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई करा हुआ है तो इसे हम डायरेक्टेड लाइन कहेंगे। जैसे ये डायरेक्टेड लाइन है, ये भी हमारी डायरेक्टेड लाइन है। और इसके अलावा अगर हमने इस पे दो पॉइंट्स स्पेसिफाई करके उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट थी हमारी, लेकिन इसके साथ हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए ले लिया, then this AB it is called the directed line segment. So it has magnitude as well as direction. जो हमारी directed line segment है ये एक vector है, क्योंकि इसमें हमने magnitude भी बताया और direction भी बताया है। इसे AB को हम कैसे denote करेंगे, AB के ऊपर, क्योंकि arrow A से B की side है, तो एक directed line आप draw करेंगे AB के ऊपर, या ए बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए था तो ए के ऊपर एरो ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, इसे हम यहाँ वेक्टर ए बी। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। ए से वेक्टर स्टार्ट हो रहा था तो ए को इनिशियल पॉइंट कहेंगे, बी पे एंड हो रहा है ये हमारा, तो इसलिए बी को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। और इन दोनों के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा
उसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे ऑफ द वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर दो इस वेक्टर के साइड में दो बार्स हम लगा देंगे, या मैग्नीट्यूड ये दो बार लगाए हमने और एक कैप ए बार लगा दिया. एंड हेयर वी नो दैट दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, लेट अस सी दिस. सपोज वी हैव अ पॉइंट इन स्पेस विच इज हैविंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. अगर हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो हम स्पेस में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम एक्स वाई और जेड एक्सिस कहते हैं, और इनकी रेस्पेक्ट में हमने सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए इस पॉइंट के एक्स वाई जेड. तो इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायरेक्टेड लाइन आएगी हमारे पास, वो भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा. दिस इज कॉल्ड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ओपी वैक्टर इट इज कॉल्ड द पोजिशन वैक्टर. सपोज इसका मैग्नीट्यूड हमने स्मॉल आर से डिनोट किया तो हम इसको आर वैक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं. और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वैक्टर. सपोज वी हैव अ पॉइंट इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड ओपी इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट. सपोज दिस पोजिशन वैक्टर OP, it is making an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. Then cos alpha will be cos beta and cos gamma. They are called the direction cosines of the vector R. Agar kisi point ka position vector alpha, beta, gamma angle एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहे हैं तो अल्फा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे, और इनके जो कोसाइंस होंगे दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे. और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम इन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस में और मैग्नीट्यूड दैट इज ऑफ द वैक्टर जो है इसमें रिलेशनशिप देखेंगे. सब ये एक्स एक्सिस है हमारी, और पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमने ओरिजिन ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो ये ओपी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये तो अल्फा हो गया, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये 90 डिग्री हो गया है. तो ये एंगल हमने अल्फा माना था. अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें तो कॉस अल्फा होता है एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड ये क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमने एक्स लिया है, तो इसका मतलब ओ ए एक्स हो जाएगा. ये एक्स है और ये ओ पी हमारा आर है. सो एक्स अपॉन आर इक्वल कॉस अल्फा. इसी तरह से वाई अपॉन आर कॉस बीटा हो जाएगा और जेड अपॉन आर कॉस गामा. तो यहां से हम कॉस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से. तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स इक्वल टू एल आर, y इक्वल टू एम आर एंड जेड इक्वल टू एन आर. तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के x, y, z उसको हम एल आर एम आर एन आर भी लिख सकते हैं. ये जो नंबर हैं एल आर एम आर एन आर, क्योंकि ये l, m, n के का मल्टीपल है, जब इसे r से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हैं. तो इन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं.
जो हमारे एक्स वाई जेड है या एल आर एम आर एन आर, इसे हम डायरेक्शन रेशियोज़ कहेंगे वेक्टर आर में। और इन डायरेक्शन रेशियोज़ को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरल नोटेशन है इसका। अगर हम, क्योंकि ये एल था, ये एम है और ये एन, एल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वैक्टर पी ओ पी वैक्टर का, तो इसीलिए हम न्यूमरेटर आर स्क्वायर के इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एलसीएम में आर स्क्वायर था, तो इसका मतलब वन आ जाएगा। सो वी हैव ए दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी फैक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।